हेलो हेलोव्रिवन आई एम गोइंग टू शेयर माई एग्ज़ाम अनालस आज मेरा एग्ज़ाम था आई बी पी एस पी ओ का तो आई एल शेयर कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम एंड कैसा मैंने एनालिस किया कि उसको uh, कितना डिफ़िकल्टी लेवल था उसका तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ओवरऑल uh, बताऊँ तो एग्ज़ाम वॉज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट सबसे जो डिफ़िकल्ट सेक्शन था वो मेरे लिए करेंट अफेयर्स था सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ रीजनिंग में मेरे 19 अटैम्प्ट थे और आ, मुझे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा मतलब बहुत से पजल्स थे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे टिपिकल थे तो इसलिए इस वजह से आ, मेरे नाइनटीन ही हो पाए हैं बट आई ट्राइड कि मैं एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करूँ कुछ रॉन्ग क्वेश्चनस ना करूँ मैं तो इसलिए नाइन्टीन क्वेश्चन आई हैव डन एंड सेकेंडली अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मैंने सेवेंटीन क्वेश्चनस किए हैं क्वांट भी मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही लगा बिकॉज उसमें जो टॉपिक्स थे वो बस मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे वो टॉपिक्स तो वही आ गए जैसे कि एरिया से वॉल्यूम एंड ऑल से रिलेटेड कुछ डी uh, आई थी तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था उसमें सिक्स क्वेश्चनस थे उस डी में और uh, उसमें एक नंबर uh, सीरीज़ के भी क्वेश्चंस थे बट वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से थे एंड वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई सो इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट फॉर मी और आई डिड सेवेंटीन क्वेश्चन इन क्वांट नेक्स्ट इज इंग्लिश इंग्लिश वॉज मॉडरेट नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट फॉर मी इंग्लिश में मैंने थर्टी फाइव में से थर्टी थ्री किए थे तो ठीक था इंग्लिश का लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितना एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एंड तो इंग्लिश वॉज़ गुड एंड आई एक्सपेक्ट कि ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव आ सकते हैं मेरे इंग्लिश में नेक्स्ट इज़ जी ए ख़तरनाक भगवान भरोसे छोड़ के आई हूँ सी बिकॉज उसमें क्वेश्चन उसमें लिखा था कि दिसंबर में से क्वेश्चन आए हैं बट मुझे पता ही नहीं कहाँ से आए हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो आई डोंट नो वो क्वेश्चंस ऐसे ही थे बहुत डीप में क्वेश्चंस थे एक्चुअली जैसे कि अगर कोई रैंकिंग है तो वी यूजुअली स्टडी टॉप थ्री तो उसमें टॉप फाइव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था सो so ये तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया है सेक्शन की अगर सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाएगी फिर हो जाएगा वरना सेक्शनल से रह जाएगा एंड अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा जो मैंने जो अटैम्प्ट किया था लेटर वो लेटर था कि बैंक मैनेजर को लिखना है रिगार्डिंग द अकाउंट स्टेटमेंट हमें चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैंने लेटर अटैम्प्ट किया था वो वाला बट उसमें मैंने वन थर्टी फाइव वर्ड्स ही कर पाई क्योंकि वो लेटर ही ऐसा था कि उसमें वन फिफ्टी वर्ड्स बन नहीं पाए मेरे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या इसमें लिखा जा सकता है सो आईट राइट माई बेस्ट सो आई डिट वन थर्टी फ़ाइव बट उसमें वन फिफ्टी लगा था लिखा था तो उसमें मेरे मार्क्स गेस कम आएंगे बाक़ी जो ऐसे था वो मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक था मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प करती है हमारी लाइफ को ईजियर बनाने में तो इट वॉज़ रिलेटेड टू तो दैट तो वो मैंने अटैम्प्ट किया था उसमें टू फिफ्टी वर्ड्स लिखने थे तो वो मेरा अच्छे से हो गया था सो so, डिस्क्रिप्टिव में भी आई एम एक्सपेक्टिंग की थर्टीन टू फिफ्टीन मार्क्स सो ओवरऑल माई पेपर वॉज गुड एक्सेप्ट करेंट अफेयर्स लेट्स ही क्या होगा अगर आपने भी आज अटैम्प्ट किया डू शेयर योअर अटैम्प्ट एंड प्लीज़ करंट अफेयर्स में कैसा किया आपने वो ज़रूर शेयर कीजिए आई एम वेरी मच वरीड अबाउट इट थैंक यू